हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है बिहार सरकार की तरफ से। बेल्ट्रॉन एजेंसी के अंतर्गत आपको बिहार के अलग अलग जिलों के अंदर अलग ब्लॉक में काम करने का मौका मिलेगा। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप भी इच्छुक हो इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि इसमें मैं डिटेल में इस पोस्ट के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया, बिहार बेल्ट्रॉन के अंदर रिक्रूटमेंट निकल के आई है। फ्रेंड्स, बेल्ट्रॉन क्या होता है? ये एक एजेंसी है जो कि बिहार सरकार के थ्रू कार्यरत है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके थ्रू आपको वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट कराई जाती है। फ्रेंड्स, अगर अप्लाई के डेट की बात करें तो ये फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा? ऑलरेडी स्टार्टेड है 25 से, मतलब कि 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 15 मार्च है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 15th of March। जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो सर्वर इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। आइए देखिए फॉर्म अप्लाई करते वक्त फी क्या लिया जाएगा। जनरल, बीसी, ईबीसी और अदर स्टेट के कैंडिडेट से 1000 रुपीज लिया जाएगा। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट से 250 रुपीज लिया जाएगा। अब बात करें कि एज की लिमिट क्या रहने वाली है। सबसे पहले जानते हैं किस तिथि के अनुसार आपका एज कैलकुलेट होगा। देखिए, 15 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग 18 वर्ष से 59 वर्ष। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत मतलब जो अपर लिमिट है वो काफी हाई है, तो अपर लिमिट के लिए तो किसी को इश्यू नहीं आने वाला है। 18 से 59 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है सभी इलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि जो रिलैक्सेशन मिलता है बीसी ईबीसी को 3 वर्ष का मिलेगा और एससी एसटी को 5 वर्ष का मिलेगा। अब रही बात की क्वालिफिकेशन क्या है, तो 12th पास आउट सभी कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ 1 वर्ष का डिग्री होना चाहिए कोई भी कंप्यूटर कोर्स का। सिंपली मान लीजिए कि अगर आपने बिहार के कौशल विकास योजना से अगर किया है तो आपको 400 घंटे का वहां पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज जिन्होंने सिंपली ADCA कर रखा है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। फ्रेंड्स, बिहार के अलग अलग जिलों के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैं बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है आपका। ऑनलाइन CVT, मतलब कि कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा होगी, उसके साथ ही साथ आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा और आपको उसके बाद जो भी आगे की प्रोसीजर है मैं बता देती हूँ। देखिए, पहले तो ये जानिए कि एग्जाम प्लस टाइपिंग सेम ही डे होगा, और उसके बाद आपको ये सरकारी जॉब की तरह ही होता है। जैसा आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन ये आपको 18 वर्ष से 60 वर्ष, जब तक आपका 60 वर्ष नहीं होता है तब तक आपको आपके पोस्ट से कोई हटाता नहीं है। बाद में इसको अभी कुछ समय बाद सरकारी भी हो जाता है, जैसे ही इलेक्शन वगैरह आते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होते हैं वो सरकारी जॉब उनको दे दिया जाता है। सैलरी या फिर हर फैसिलिटी आपको सरकारी जॉब वाली ही मिलती है। देखिए, सैलरी आपका 25,000 से शुरुआत होता है और हर साल 10% की बढ़ोतरी होती है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, परीक्षा का तिथि क्या होगा, तो जैसा आपको पता है कि अभी 15 मार्च तक फॉर्म अप्लाई होगा, फिर अप्रैल के समय इलेक्शन होने वाला, तो मान के ये चलेंगे कि मई जून में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए आगे समझ लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम में आपका 60 प्रश्न होगा 60 नंबर के लिए, समय दिया जाता है 1 घंटे का और देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। और क्वेश्चन किन सब्जेक्ट से होगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो 50%, मतलब कि 60 में से जो 30 ले आएंगे वो सभी पास रहेंगे। और जस्ट एग्जाम के बाद ही आपका टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग का क्या यहाँ पर प्रक्रिया है मैं बता देती हूँ। देखिए, हिंदी के लिए जो टाइपिंग होगा 25 वर्ड पर मिनट का, इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई एक टाइपिंग रहने वाला है। फॉन्ट की बात करें तो मंगल फॉन्ट रहेगा और कीबोर्ड रेमिंगटन गेल कीबोर्ड से आपका यहाँ पर टाइपिंग कराया जाएगा।
आपका मेरिट जो बनता है वो हिंदी टाइपिंग के बेसिस पे बनता है। तो एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को भी रीड करिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका ये जो एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस होने वाला है। पहले बता दिया है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, किन किन टॉपिक से वो मैं बता देती हूँ आपको। बेसिक ऑफ कंप्यूटर से प्रश्न होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको प्रश्न पूछा जाएगा, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट कैसे तैयार होता है, मेल मर्ज, फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फार्मूला, फंक्शन एंड चार्ट्स, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी वगैरह बना के देना होगा, और उसके बाद इंटरनेट चैप्टर से आपका यहाँ पर होगा। तो एग्जाम का सिलेबस बहुत ही सिंपल है, जिन्होंने अच्छे से कंप्यूटर कोर्स किया होगा उनके लिए तो बहुत आसान रहने वाला है। दूसरी चीज ये कि कितने नंबर के सीट पर वैकेंसी आएगी। फ्रेंड्स सीट कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि 1000 सीट पर वैकेंसी निकल के आएगी और सबको मतलब रिजल्ट आ गया, तो आप मान के चलिए कि 6 महीना से साल भर के अंदर में आपका जॉब सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बिहार सरकार के अंतर्गत एजेंसी आती है। मान लीजिए बिहार सरकार वैकेंसी निकालती है कि 200-300 छात्रों की अभी जरूरत है, तो बेल्ट्रॉन इसमें से 200-300 कैंडिडेट को जॉब पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भेज देती है, बाकी के जो कैंडिडेट होते हैं वो पेंडिंग में रहते हैं। तो जब भी आपको बिहार सरकार को जरूरत पड़ती है, मान लीजिए 6 महीना के अंदर, 1 साल के अंदर, आपकी एकदम गारंटी जॉब इसमें पक्की होती है और एकदम परमानेंट जॉब ही आप इसको समझिए। आपको सैलरी भी अच्छा मिलता है, हर साल इंक्रीमेंट होता है, बिहार के अलग अलग जिलों में ब्लॉक में काम करना होता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इसके बारे में अगर और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऐसे तो आई होप कि सारा आपको जानकारी मैं दे दी हूँ, और बाकी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, तो उसको डाउनलोड करके थॉरो आउटरीच जरूर करिएगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आप चाहे तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों जगह पर फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे करके जाना, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।